गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? एग्जाम के बाद आज आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सुनिएगा। पापा खो गए, बिजली का खंभा, नाचने वाली पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स आदि हुआ। सड़क रात का समय, समुद्र के सामने फुटपा, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीरे धीरे प्रकाश, एक सिनेमा का पोस्टर, मास्टर पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, तुम कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, खंबा जवाहे रोकते हुए, राम 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 राम, बहुत हो गया। पेड़, आज तक की रातें कैसी है, जल्दी बीतते भी नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब तो बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं से भी बर्फ को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था मैं होते बिजली के खंभों का जल बल फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी जाता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़बड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक-धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है, अंग थरथर कांपने लग जाता है, मेरी तबीयत भी लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता। वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए, पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर छः चुनकी की, यह नौकरी भी कोई नौकरी है? अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सारी सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें अब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहा तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊँची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई थी, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है।
आगे पानी का तुम इंतजाम, अब खंबा तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल दिया, यह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी ढर गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ हूँ, हवा आज भी बहुत है, दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बसते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कोवा पेड़ के पीछे से झांककर काव काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है। लेटर बॉक्स हूँ, मीठी आवाज में नहीं, गाय तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काव काव करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर बोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बट्टे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर इससे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के संबंध आखिर क्या छे? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, इस परीक्षक के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाट फाट कर पढ़ते रहो? पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो मेरी तरफ, यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट पे से चिट्ठियां निकालकर निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जवाई आई कि रोके नहीं रुकी, जवाई लेता हूँ यह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चुनका बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे कहता हूँ चार चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए थोड़े पढ़ भी लूँ तो क्या होगा? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, यह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहीं किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती ही है, किसी को गुप्त बातें मैं सब बाहर निकालता हूँ, यह पुस्तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व रखता है। कल पढ़ाऊंगी आपको।